हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, ये है 5 मार्क इंग्लिश का। इसका पहले मैं 5 मार्क का क्वेश्चन दिया था। अब क्वेश्चन मैं कहाँ से दिया था, पहले तो आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। आपको सिलेबस थोड़ी सी ये देखिए, ये है सप्लीमेंट्री। ये देखिए क्लास 10 का सिलेबस है, रिड्यूस करके जो बनाया गया था, री सिलेबस जो बनाया गया था 2021 के एग्ज़ाम के लिए, ये ही सिलेबस है। आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो ज़रूर सिलेबस को देख लें। मैं वीडियो को आस्ते आस्ते दिखा रहा हूँ, आप ज़रूर स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेटर टू गॉड, नेशनल मंडेला, लॉन्ग वे टू फ्रीडम, ये सब, टी फ्रॉम असम, टाइगर टू जू, यही सब है। मैं सप्लीमेंट्री की बात अभी कर रहा हूँ। अभी मैं वो जो मेन इंग्लिश बुक है आपका, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सप्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ से 10 मार्क का आता है। वहाँ पे 2 चैप्टर ही रखा गया था, द मिड नाइट विजिटर और फूड प्रिंट विदाउट फीड। यही 2 चैप्टर आपका एग्ज़ाम में रहेंगे और यही 2 चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। और एक बात आपको यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यही 2 चैप्टर से ज़्यादा एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें भी आपको और का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको बस केवल 2 का ही आंसर देना है। तो इसके लिए मैं यह द मिडनाइट विजिटर एक एक चैप्टर करके मैं आंसर को डालूंगा। मैं बोला भी था आपको, वादा भी किया था कि आंसर मिल जाएगा, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है जब क्वेश्चन दिया गया था। तो आज मैं आंसर भी दे रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डस अजबुल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बेलकोनी अटैक्ट टू हिज रूम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन था, आपको वहाँ पे मिलेगा। जब क्वेश्चन दिया था मैं वहाँ पे बोला था, एक एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार, मतलब 2-3 साल रिपीटेशन हुए हैं, रिपीट कर करके आए। तो वहाँ पे आप जरूर पहले वो वीडियो को जरूर देखें, क्वेश्चन को लिखें, फिर इस वीडियो में आए ताकि आपको इसका आंसर मिल सके। ठीक है, आंसर आप जरूर देखें। अजबुल टेल्स मैक्स डेट समवन एंटर हिज रूम, ये सब मैं भी एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, बार बार बोलता हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगी। आपको दिखा रहा हूँ, आप बिंदास लिख लें या तो स्क्रीनशॉट मार लें। स्क्रीनशॉट मारने से असुविधाएँ होंगी क्योंकि आधा ही स्क्रीनशॉट आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, देख सकते। ठीक है, अभी और दे रहा हूं। इसके बाद जो है, ये थोड़ी सी आंसर थोड़ी बड़ी तो रहेगी ही, 5 मार्क का है, ये यहीं पे खत्म है। हाँ ठीक है, ये यहाँ तक ही इसका फुल स्टॉप है, यहीं तक है, बस इतना ही हाफ पेज में लिखना था आपको। कम से कम आपका जो 5 मार्क है वो कम से कम तो 100 वर्ड तो होना ही होना है, तभी आपको अच्छे मार्क मिलेगा। चलिए, वर्ड पे फोकस नहीं करना है, जो मेन पॉइंट है आपको वही लिखना है। ठीक है, तो ये था 1 मार्क का आंसर, आप ज़रूर लिख लें। उसके बाद मैं दे रहा हूँ 2 मार्क का। वहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्वेश्चन था, ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन ही था। तो 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, बिटवीन अजबुल एंड मैक्स Who do you think that more intelligent and why? आपके सोच में मतलब कैसे वो लोग इंटेलिजेंट था और क्यों था, वो आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप ज़रूर लिख लें, ये भी आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये भी उसी के साथ जॉइंड है। हाँ, उसी के साथ जॉइंड है, उसी पैराग्राफ का आंसर है ये, उसमें इसको लिखिएगा। उसके बाद 3 नंबर पर आइएगा, देखिए ये पूरा दिख रहा है। आपको स्क्रीनशॉट मारने की ज़रूरत नहीं, आप वीडियो को पुश करके ज़रूर आंसर को लिख लें। ये 3 नंबर में देखिए, गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मैक्स कॉन्जर्वेशन विथ अजबुल। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे पूरा नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ, आंसर को आप पूरा करके लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आंसर, आप यहाँ पे पूरा कर ले। ठीक है, आंसर यहाँ तक लिखने के बाद, ये थोड़ी बड़ी है, आंसर लिखने के बाद इसमें है, ये है 4 नंबर, ये 4 नंबर है, हु इज फॉलर, ये W है। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फॉलर है। और ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज मीटिंग विथ अजबुल, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आपको लिखना है। शायद 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, रिपीट होता है क्वेश्चन, बार बार बोला जाता है, आप ज़रूर लिख ले। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, सर मुझे 5 नंबर के आंसर समझ में ना आए, ताकि मैं फिर से 5 नंबर के आंसर आपको दे सकूं, पर्सनली दे दूंगा। ठीक है, तो आप ज़रूर कुछ भी आपकी क्वारी हो ज़रूर बोलना है। हाउ इज अजबुल डिफरेंस फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं आंसर। हाँ, इसमें और कुछ जॉइंट होना चाहिए था, तो आपका मर्जी, आपको लगता है कि ये आंसर से आप सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको कुछ और आंसर पढ़ना चाहिए, इसमें और डालना चाहिए, इसमें और कुछ वर्ड आना चाहिए, तो ज़रूर आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, हाउ डिस मैक्स इंटर अजबुल रूम एंड वाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इंटर किया था उसका रूम में और क्यों किया था।
तो ये छः मार्क का जो आंसर है आप ज़रूर लिखें, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ तक आपका आंसर ख़त्म है, ठीक है। ये भी ज़्यादा बड़ा है नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ आपको, अगर ये मेरा जो आंसर दिया हुआ है इसमें आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, आप ज़रूर अपना आंसर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नया अगर स्टूडेंट ने सब्सक्राइब करना कभी ना भूले, आपको इसी तरह का बहुत सारे वीडियो आते रहेगा और सब इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा, रिलेटेड मैं रिलेवेंट ही क्वेश्चन डालता हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा नहीं कुछ भी दे दूँ आपको, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।